महिलाओं और छात्राओं के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में छात्र छात्राओं के मोबाइल फोन में गोरा शक्ति ऐप डाउनलोड कराकर सुरक्षा के नियम कायदों के बारे में जानकारी दी गई। उत्तराखंड के काशीपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों पर नजर बनाए हुए है। साथ ही काशीपुर थाना क्षेत्र में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं, जिससे सड़कों पर होने वाली गतिविधियों पर पुलिस नजर रख रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी मनोज रतूड़ी ने बताया, पृथ्वीराज चौहान नर्सिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं को वर्तमान में हो रहे साइबर क्राइम ठगी के बारे में जानकारी दी और ट्रैफिक यातायात के बारे में भी बताया। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस ने गोरा शक्ति ऐप के विषय में जानकारी देते हुए सभी छात्र छात्राओं के मोबाइल में गोरा शक्ति ऐप डाउनलोड करवाया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी मनोज रतोड़ी के साथ ट्रैफिक पुलिस SI जसवंत सिंह सहित पुलिस टीम के कई सदस्य मौजूद रहे। सहेली से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, अपने पति से बात करते हैं, सब अच्छे निजी बातें होती है ना, सब लोगों की तो सारी बातें लीक हो सकती है। इसलिए कम से कम मतलब मैं डरा ना आपको, लेकिन मेरा कहना था लापरवाही मत करें, अपने आप को जागरूक रखें, आपको किसी से ओटीपी देने की जरूरत नहीं है। अपने निजी फोटो लेकिन आपने फोन में कौन से नंबर दिया फोन में भी मत रखिए। लब बोलो आप, ये है 3-4 चीज़ें हैं। नया ऐप आपने डाउनलोड नहीं करना है, करनी है कोई ओटीपी नहीं देना है, नहीं नया कोई ऐप ऐसा ऐप डाउनलोड नहीं करना है कि जिस ऐप को आजकल ऐप के पीछे डमी ऐप छिपा रहता है, आपके अकाउंट का आपका डाटा पूरा उठा लेते हैं। आपके वहाँ पर उस मोबाइल में यदि कहीं पर कोई पासवर्ड है, कोई आपके अकाउंट नंबर है, कुछ भी आपका, वो सब उनके पास चला जाता है एकदम कॉपी बनकर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।